आगे बढ़ते हैं आप। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अभियान का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान और गांव चलो अभियान के साथ ही एक तीसरे अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने भोपाल में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका श्री गणेश सीएम मोहन यादव ने किया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा सीटों की संख्या में इस बार इजाफे की कवायद में जुटी हुई। एक बार फिर से मोदी सरकार। ये दीवार लेखन प्रतियोगिता नहीं, दीवार लेखन अभियान है, जिसे बीजेपी ने शुरू किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया और एमपी नेतृत्व जुट गई दीवार लेखन अभियान में। सीएम मोहन यादव ने कूची उठाई और दीवार पर स्लोगन लिखने में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में पार्टी ने तीसरी बार मोदी सरकार के तीसरे अभियान का आगाज कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के हर दायित्ववान कार्यकर्ता जिसको जो काम मिल जाए वो अपने पार्टी भाव से करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी ने जो आह्वान किया उसी सिलसिले में आज दीवार लेखन किया है। मोहन यादव जब दीवार पर स्लोगन लिखने उतरे तब उन्होंने स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा, लिहाजा स्लोगन लिखने के बाद उन्होंने कहा कि दीवार लेखन अभियान चला रहे हैं, पार्टी का प्रचार करना है लेकिन स्वच्छता का ध्यान भी रखना है। दीवार के मालिक से अनुमति लेकर इस पर स्लोगन लिखा गया है। हम सब उस अभियान के अंतर्गत फिर एक बार मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार। इस अभियान के अंतर्गत आज दीवार लेखन में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ हूँ और ये निजी मकान पे उनकी स्वयं की दीवार पे सहमति के साथ हमने आज दीवार लेखन किया है, क्योंकि हमको स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, शुचिता का भी ध्यान रखना है, लेकिन पार्टी का प्रचार भी करना है। एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी कह रही है अब की बार 29 बार, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के अभियान में पीछे नहीं रहना चाहती है। पार्टी आम चुनाव की रणनीति बना रही है, साथ ही सत्ताधारी पार्टी के अभियान पर सवाल भी उठा रही है। देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का हर राजनीतिक दल को संवैधानिक और नैतिक अधिकार है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, हम उससे क्यों चिंतित हो। मगर समस्याग्रस्त मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री जी को दीवारें लिखनी पड़े तो यह भी एक विचित्र और हास्यास्पद स्थिति है। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी अभियान और पीएम मोदी के चेहरे पर साल 2024 के महासंग्राम का मैदान मार लेना चाहती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के पास मौका है लोकसभा चुनाव में अपने आंकड़े सुधारने का। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।